चलो, तो अब क्या है, अब हम पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कोई बात यहां नहीं करेंगे, उसमें जो भी बात करनी थी हमने कर लिया। और अच्छा, उससे पहले मैंने जैसे कि अभी बताया कि पहले मैं इस दो वर्ड में क्लियरिटी के साथ कंसेप्ट को क्लियर करूं। दो वर्ड था, अभी मैं जाऊंगा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। एक वर्ड था सेम बैक्टीरिया के टॉक्सिन के लिए, बैक्टीरिया का टॉक्सिन है और किस केस में, टिटेनस में। तो मैंने बोला कि एक आप क्या लेते हो, एक लेते हो एटीएस और एक लेते हो टीटी। तो भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ले तो दोनों टिटनेस के लिए रहे हैं, हैं? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एक डिफरेंस तो आप क्या बोलोगे कि एटीएस एंटी सीरम है पहली बात, और टीटी वैक्सीन है। चलो अब मुझे जल्दी से बता दो कि इसमें से कौन ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा, कौन प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होगा, फटाफट। टीटी ट्रीटमेंट के लिए हो? टीटी ट्रीटमेंट के लिए होगा, भौंट नो टीटी सर, प्रोफाइलेक्सिस। यूजेस प्रोफाइल प्रोफाइलेक्सिस, व्हाइल एटीएस यूज्ड एज ट्रीटमेंट। शायद ट्रीटमेंट अब आप समझ चुके होंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। सुने ध्यान से, मान लो कि आज मुझे क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है, कई बार क्या होता है कि कट लग जाता है और वहां पे जो रस्टेड आयरन होते हैं वो टच में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो साइट जो होता है उस बैक्टीरिया का फेवरेबल साइट होता है, तो वो हमारे बॉडी में उससे एंटर कर सकता है। ठीक है, तो मोस्ट फेवर साइट वही होता है, उसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है। ठीक है जी, तो अब मान लो कि हमें पता तो चल ही गया कि आज हमें कट लगा है और ऐसी चीज कॉन्टेक्ट में आई है जिससे वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर किया है। अब पता चल गया, भागे भागे डॉक्टर के पास गए। तो जब भागे भागे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको सबसे पहले क्या ठोकता है, टीटी या एटीएस, क्या लगता है? अगर आप डॉक्टर के पास चले गए भागे भागे तो डॉक्टर आपको क्या ठोकता है बताओ? टीटी। एटी एटी विदिन 24 आवर्स। अगर आप 24 आवर्स के अंदर डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर आपको टीटी लगाते हैं। अगर आप विदिन 24 आवर्स नहीं गए, आप आफ्टर द कोई गांव के बड़े बुजुर्ग सलाह दिए, कह रहे थे तुम्हारा पैर हाथ कटा है, जाओ सुई लो डॉक्टर के पास। तो अब डॉक्टर पूछा कब लगा था भाई ये कट, तो आप बोल रहे हैं कि 4-5 दिन पहले लगा था, तो अब आपको टीटी नहीं लगेगा, अब आपको लगेगा एटीएस आफ्टर 4 to 5 days, 4 to 5 days ऑफ इन्फेक्शन, और ये विद इन 24 आवर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब सोचो इस दोनों में क्या अंतर है। एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको मैं बता रहा हूं खोल के। आज मुझे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया का, टॉक्सिन सिक्रीट करने में पता कितना दिन समय लगाएगा, 4 से 5 दिन। अरे बैक्टीरिया टॉक्सिन तो सिक्रीट कर ही सकता है भैया, वो दूसरा जगह से हमारे बॉडी के अंदर आया है, हमारा बॉडी के अंदर वो दूसरा अपने अपना अड्डा कैसे जमा लेगा, टाइम तो लगेगा ना यार। और पता है वो टाइम कितना दिन लगता है, 4 से 5 दिन लगता है बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में अडेप्ट करने के लिए। उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, 4 से 5 दिन का होता है इस बैक्टीरिया में। तो 4-5 दिन तो बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में अडेप्ट करने में लग जाएगा, फिर वो अपना नंबर भी तो बढ़ाएगा, तो टोटल 5 दिन के बाद बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अडेप्ट करके इतना नंबर बढ़ा लेता है कि वो हमारे बॉडी में अच्छा खासा अमाउंट में टॉक्सिन क्रिएट कर देता है और टिटैनिक कंडीशन क्रिएट करा सकता है। यानी कि 4-5 दिन बाद वो बैक्टीरिया एक्टिव होगा। तो एक बात बताओ, अगर हम ये वैक्सीन दे दें, जिस देखो वैक्सीन तो 55 में भी पड़ता है टीटी, लेकिन बाद में जब पता आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको जानबूझ के और एक बार टीटी दे दिया, मतलब एक तरीके से बोलो बूस्टर डोज दे दिया, तो इससे क्या होगा, अगर आपकी मेमोरी पहले की मेमोरी अगर इम्यून मेमोरी खत्म हो गई होगी तो मेमोरी दोबारा से जाग जाएगी, क्योंकि उसमें माइल्ड फॉर्म ऑफ पैथोजन है। ठीक है, वैक्सीन में टीटी में वो तो एक्चुअली टॉक्सॉइड है, खुद टॉक्सिन से टॉक्सॉइड बना हुआ है, तो वो क्या करेगा 4-5 दिन में आपके बॉडी के अंदर भयानक एंटीबॉडी बना देगा उस पैथोजन के खिलाफ। अब मुझे बताओ 4-5 दिन के बाद जब वो बैक्टीरिया इतना एक्टिव हो गया कि आपके बॉडी को हार्म करे, 4-5 दिन में आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनकर तैयार है, तो टीटी लड़ लेगा उससे, यस और नो? तो टीटी यूज्ड एट प्रोफाइलेक्सिस। अब बोलोगे सर टीटी प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे कहां यूज हुआ, पैथोजन तो अटैक हो ही गया। हाँ मानता हूं पैथोजन अटैक हो गया, पैथोजन अटैक जरूर हुआ, इन्फेक्शन हुआ है, बट पैथोजन के एक्टिवेशन के पहले आपने ये दिया है या एक्टिवेशन के बाद? रोग हो गया क्या, मुझे बताओ, छोड़ो रोग हो गया क्या, रोग तो नहीं हुआ ना, अभी रोग के पहले दे रहे हो ना, डिजीज के पहले दे रहे हो ना, तो टीटी है, टीटी इज प्रोफाइलेक्सिस। अब सपोज करो कि पर्सन 4-5 दिन अपने आप को शक्तिमान समझा,
चार पांच दिन के बाद किसी को किसी ने सलाह दिया कि भाई ये तो बैक्टीरिया का अटैक हुआ ही होगा, जाओ डॉक्टर के पास। तो चार पांच दिन के बाद गया तो पता चला तब तक बैक्टीरिया टॉक्सिन क्रिएट करने के स्टेज में पहुंच चुका है, तो क्या उसको टीटी देकर कोई फायदा है? क्योंकि एंटीबॉडी बनाने में भी समय लगता है यार, अब टीटी देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो डायरेक्ट बैक्टीरिया से लड़वाओ, बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करने लगा होगा। अब तुम ये वैक्सीन दोगे तो उधर एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा, उल्टा और टॉक्सिन दे रहे हो, बैक्टीरिया भी टॉक्सिन सीक्रेट कर रहा है, एंटीबॉडी बना नहीं है, तो अब तो भाई बना बना एंटीबॉडी दो जो लैब में बना के रखे हो उस बैक्टीरिया के लिए, दैट इज द एटीएस। तो एटीएस ट्रीटमेंट में यूज करते हैं और टीटी प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हैं। चलो एक और डिफरेंस मुझे जल्दी से बता दो इन दोनों में जल्दी से, कौन किस इम्यूनिटी का हिस्सा है, एक्टिव पैसिव, कौन किसका हिस्सा है, जल्दी बोलो। एटीएस किसका हिस्सा है, पार्ट ऑफ पैसिव का, पैसिव, पैसिव में भी कौन, आर्टिफिशियल या नेचुरल? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, व्हाई इट इज द पार्ट ऑफ, जल्दी बोलो, एक्टिव, इट इज पार्ट ऑफ एक्टिव, एक्टिव में भी कौन सा, एज ए वैक्सीन दिया गया आर्टिफिशियल, बहुत अच्छा, पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल, जानबूझ के दिया है ना वैक्सीन, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द एटीएस एंड टीटी, बड़ा ही कॉमन चीजें हैं, गांव घर में बच्चों को पता नहीं होता, लगवा जरूर लेते हैं टीटी जाके एटीएस। अरे पता है टीटी तो बचपन में सबको दिया जाता है, इसलिए दे दिया जाता है कि पता नहीं कब कटफट लग जाए वैक्सीनेशन के, तब बच्चे में वैक्सीनेशन का पूरा सीरीज चलता है ना, तो टीटी लगा देते हैं, ठीक है, कब पता नहीं कब उसको चोट फोट लग जाए। लेकिन कहते हैं कि जो टीटी का वैक्सीन होता है ना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए जो है समय समय पे टीटी लेते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद इसकी मेमोरी सेल्स खत्म हो जाती है, तो इसीलिए जब कट लगा तो डॉक्टर पहले टीटी देते हैं अगर 24 आवर में आप चले गए तो। चलिए तो ये हो गया, अब मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, अब मैं पैसिव की कोई भी बात नहीं करने वाला हूं। पता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की चार कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चार वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनेट इम्यूनिटी में नहीं है, इवन पैसिव में भी नहीं है, ये एक्टिव में ही है। क्योंकि पैसिव में तो क्या बना बना एंटीबॉडी दिया, काम में आया खेला खत्म, बस काम में आया खेला खत्म, बस इसमें वो सब चीज नहीं जो यहाँ क्या क्या है। पहली बात स्पेसिफिसिटी, देखो स्पेसिफिसिटी तो पैसिव में भी है, मैं भी कंपैरिजन कर दूंगा किसमें क्या किसमें नहीं। डाइवर्सिटी भी पैसिव में भी है। फिर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ, ये भी पैसिव में, बट ये केवल और केवल एक्टिव में, ये केवल और केवल एक्टिव में। ऊपर वाले तीन को पहले एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी, याद करो मैंने बोला था एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बहुत खासियत बात है, एंटीजन तक को पहचान लेता है, पैथोजन तो छोड़ो, एक पैथोजन के पास डिफरेंट टाइप के एंटीजन भी होते हैं, एक एक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी रखता है भाई साहब, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। स्पेसिफिसिटी ये है कि स्पेसिफिक फॉर द पैथोजन। डाइवर्सिटी, एक बात बताओ जैसे मैंने बोला कि वैरायटी ऑफ पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी रखता है, उसको किल करने की एबिलिटी रखता है, तो ना जाने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के खुद की डाइवर्सिटी होगी यार, पर्टिकुलर पैथोजन के लिए इस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स, उसके लिए इस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स, उसके लिए इस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स, तो इसकी तो डाइवर्सिटी है ना, इनेट की तो कोई डाइवर्सिटी नहीं भाई, स्किन तो स्किन है, ऐसा थोड़ी है कि यहां तक है स्किन फलाने बैक्टीरिया को रोकेगा, इधर वाला दूसरे, भाई वो तो है उसमें डाइवर्सिटी नहीं है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डाइवर्सिटी है, इवन पूरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डाइवर्सिटी है, चाहे आप देख लो ना एटीएस एडीएस ऐसे ही अदर एंटीसीना बना के रखा हुआ है, तो डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स है। देन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, भाई अगर हम चाहें मान लो मेरा ही ब्लड अगर बॉडी से बाहर निकल गया, उसको हम दोबारा एंटर करना चाहें तो स्किन रेसिस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब उसको सेल्फ नॉन सेल्फ नहीं आता है। लेकिन एक्टिव एक्वायर्ड या फिर पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ नॉन सेल्फ आता है। अगर हम एटीएस का इंजेक्शन लिए हैं तो भाई साहब वो हमारे बॉडी को नहीं मारेगा,
वो चुन के पैथोजन को ही मारेगा, मतलब हमको छोड़ देगा, हमारे बॉडी के ऑर्गन को छोड़ देगा, फॉरेन को मारेगा। तो ये सेल्फ नॉन सेल्फ का जो डिस्क्रिमिनेशन है इननेट में नहीं होता। सो दीज थ्री प्रॉपर्टीज फाउंड इन, बोलो, फाउंड इन बोथ व्हाट, पैसिव एंड एक्टिव, व्हाट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब आते हैं मेमोरी पे, इसमें डबल स्टार लगाओ। दिस इज ओनली फाउंड इन, बोलो, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और बताता हूं क्यों, क्या होता है ना, जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, इसमें हमारे बॉडी का सेल्स इन्वॉल्व हुआ है। भाई एक्टिव बोल दिया ना, तो पता है जब पैथोज, एक्चुअल में पता होता क्या है कि जब आप सुनो पूरी कहानी सुनो, चलो कोविड से अभी कोरिलेट करते हैं, अभी माहौल चल रहा है मार्केट में इसका, ठीक है। सपोज करो कि वेव टू में मुझे कोविड का इन्फेक्शन हुआ ही था, श्योरली हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम भी मैं पढ़ाना वढ़ाना बंद नहीं किया था, मार्केट जाना बंद नहीं किया था, हर जगह मैं आता जाता था, ठीक है, श्योरली इन्फेक्शन हुआ होगा। बट हमारा बचपन ऐसे दौर में गुजरा है, ना जाने बचपन में कितने सारे पैथोजन के कॉन्टेक्ट में मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, इम्यून सिस्टम मैंने पहले से अपना ऐसा बना के रखा हुआ है। तो आया होगा कोरोना, फरोना आया होगा, हमारे बॉडी ने लड़ लिया, हमें कभी पता भी नहीं चला। तो क्या हुआ पता है, जब कोरोना आया वायरस हमारे बॉडी में, हमारा इम्यून सिस्टम उसे लड़ लिया, और हमारे बॉडी के अंदर उस टाइम तो लड़ा ही सही, एंटीबॉडी बना, कोरोना से लड़ा, इसलिए हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इवन उस टाइम कुछ सेल्स जो लड़ रहे थे कोरोना से, उस टाइम कुछ सेल्स उसी में से एज अ मेमोरी बना के रख लिया गया। यस, एज अ मेमोरी बना के रख लिया गया। अब आप बोलोगे सर हर सेल की एक लाइफ होती है, एक दिन वो सेल खत्म हो जाएगा। यस, खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने से पहले डिवाइड भी कर लेगा, यानी कि मेमोरी सेल्स अपना डिवीजन करते रहेगा। और वो मेमोरी किस फॉर्म में, मॉलिकुलर मेमोरी है, मतलब वो कोविड के उस पर्टिकुलर, कोविड वायरस के उस पर्टिकुलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके अपने अंदर का जीनोम को उस तरीके से एडजस्ट करके रखा हुआ है कि कल को जैसे ही दोबारा कोविड आएगा तो मेरी बॉडी के अंदर भयानक रिस्पॉन्स दिखेगा, खतरनाक रिस्पॉन्स दिखेगा, तुरंत उसको किल कर देगा। तो ये तो क्या हुआ, नेचुरल, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात चल रही है, लेकिन नेचुरल। अच्छा, सो सपोज करो कि अगर पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूं, तो क्या हो सकता है कि मेरे बॉडी के अंदर आज जानबूझ के वैक्सीन दिया गया, ले ही लिया मैंने, दोनों डोज ले लिया। तो क्या हुआ, जब मैंने फर्स्ट डोज लिया तो उस टाइम थोड़ा सा अटैक किया गया हमारे बॉडी में कोरोना का, जो कि पैथोजेनिसिटी नहीं था लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी था, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। अभी एक्टिवेशन चला महीना दिन, डेढ़ महीना बॉडी एक्टिव एकदम आया मूड में, फिर जाके डेढ़ महीना बाद दोबारा दे दिया गया थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के। तो क्या हुआ, और एक्टिवेशन हुआ, तो खतरनाक तरीके से बॉडी एक्टिवेट हुआ और पूरा एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी तो बनाया ही सही, उसके बाद मेमोरी सेल भी बनाया। तो ये मेमोरी सेल्स बना के रख लेना, ये केवल एक्टिव में ही होता है, पैसिव में नहीं होता है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नहीं होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो रुको रुको, यहां पे कुछ मिस्टेक हुआ, फिर से कोरिलेट करता हूं। अगर मुझे नेचुरल इन्फेक्शन हुआ तो दैट इज ऑल्सो एक्टिव, अगर वैक्सीन लिया दैट इज ऑल्सो एक्टिव, बट मुझे बोलना चाहिए था नेचुरल और आर्टिफिशियल। लो मैं लिख देता हूं, ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव, सर अरे यार फिर पैसिव बोल रहा हूं, यहीं पे तो गलती हो रहा है, क्या होगा, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर से बोल दे रहा हूं मैं। तो क्या हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द वेव वन वेव टू नेचुरल कोविड आया, कोविड इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ, और क्या हुआ बोलो, इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर दो चीजें हुई, एक तो उस टाइम एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ ही सही और लर लिया, और दूसरा मेमोरी सेल का प्रोडक्शन हुआ, मेमोरी सेल्स बने।
अब उसके बाद अगर मान लो कि नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा, तो मैंने वैक्सीन ले लिया कोविड वैक्सीन, इसमें भी क्या हुआ, वही काम हुआ, एक तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ हमारे बॉडी के द्वारा बाय बॉडी, ये हमारे बॉडी ने बनाया है एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय बॉडी, और दूसरा क्या हुआ, मेमोरी सेल्स बाय मेमोरी सेल्स बन गए। तो अब ये बन गए, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम या फिर कोविड वैक्सीन लिया हो मैंने, ठीक है। अब जब कल को वेव थ्री वेव फोर आएगा, जो भी आएगा, कल को अगर मुझे रियल या फिर मान लो मैं किसी कोविड इन्फेक्टेड पर्सन का कॉन्टेक्ट में चला गया और मुझे कोविड का अटैक हो गया, इसके बाद अब इसके बाद जो हो चुका है इसके बाद, तो मुझे बताओ मेरा बॉडी उससे इजिली लड़ लेगा कि नहीं लड़ लेगा? बिल्कुल लड़ लेगा। और वो इसलिए लड़ लेगा कि जब फर्स्ट टाइम नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था तो बॉडी में एंटीबॉडी बनने में भी टाइम लगा था, मेमोरी सेल बनने में भी टाइम लगा था। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, दिस इज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये भी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, बस ये कि आर्टिफिशियल प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। और ये स्लो था, इसमें टाइम लगा था, स्लो था। अब मुझे एक बात बताओ, जब दोबारा से सेम पैथोजन का अटैक होगा, वही पैथोजन आया, चाहे वो नेचुरली आया किसी भी कारण से, मैंने वैक्सीन ले लिया है या नेचुरल इन्फेक्शन पहले से हो रखा था, मुझे बताओ क्या अब उसको पहचानने में समय लगेगा? नहीं, मेमोरी सेल बना क्यों लेता, इसलिए तो मेमोरी सेल तुरंत पहचान लेगा, अरे अरे तो वही कोविड वायरस है, और वो तुरंत मेमोरी सेल गेट तुरंत कन्वर्टेड इनटू इफेक्टर बी सेल जो कि एंटीबॉडी बनाता है। तो उस टाइम पता है क्या हुआ, तुरंत एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, चाहे इधर हो या इधर हो, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट होगा और वह मेमोरी बेस्ड होगा, उसको बोलते हैं एनामिस्टिक रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? एनामिस्टिक रिस्पॉन्स, मेमोरी बेस्ड रिस्पॉन्स। अब आप बोलोगे सर जब फर्स्ट टाइम वो पैथोजन आया था मेरे बॉडी के अंदर तो कौन सा एंटीबॉडी बना था? अभी आप पांच टाइप के एंटीबॉडी का बात कर रहे थे, IgG, AMED, तो कौन सा बना था? तो सुन लो कान खोल के, IgM और IgG बनता है क्योंकि प्रिंसिपल पैथोजन वायरस बैक्टीरिया ही है, मैंने बोला था। तो जो फर्स्ट अटैक होता है मोस्टली पैथोजन का, इन जनरल बात कर रहा हूँ, बैक्टीरिया और वायरस का होता है, तो इसमें IgM और IgG ही बनता है, ठीक है। उसमें भी अब पहले कौन बनता है, बाद कौन बनता है, अभी मैं बताऊंगा ग्राफ से, ठीक है। पहले IgM बनता है तब IgG बनता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान IgM IgG बना के रखा, उससे लड़ा, हो गया एंटीबॉडी, लड़ा, खेला खत्म, उसके बाद मेमोरी सेल बना के रखा। जब दोबारा अटैक होगा, सुनना ध्यान से, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान किस कलर से लिखूं, इससे लिखता हूँ, पहले IgM बना फिर IgG बना, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहा, ठीक है जी। और वह लड़ लिया पैथोजन से, लड़ लिया, चाहे वो वैक्सीन के फॉर्म में आया हो या नेचुरल आया हो। और मेमोरी सेल जो रखा वो आएगा सेकेंड अटैक में काम, और जब सेकेंड अटैक हुआ तो पता है उस टाइम क्या हुआ, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में बना पहले अभी भी, मतलब बना दोनों साथ में, अब पहले बाद नहीं, बना दोनों साथ में, IgM और IgG बना दोनों साथ में, लेकिन अब ज्यादा ये बना और कम ये बना, ये भी बना लेकिन उतना नहीं जितना ये बना। यानी कि कुल मिला के कहानी ये है कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एनामिस्टिक रिस्पॉन्स है, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पेशी में तो बना बना एंटीबॉडी दे रहे हैं भाई, उसमें आपका बॉडी थोड़ी ना इन्वॉल्व हो रहा है। और ये जो मेमोरी है ना, यही मेमोरी तो वर्टिब्रेट को यूनिक बनाता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो केवल केवल वर्टिब्रेट में मिलता है, और ये एक्वायर्ड में भी जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें जो मेमोरी वाली प्रॉपर्टी है ये वर्टिब्रेट को बहुत यूनिक बनाता है पैथोजन से लड़ने के लिए। सो दिस इज द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो मैंने अभी बात किया ना, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, मैं चाहता हूँ कि इस पर बेस्ड मैं एक ग्राफ समझाऊँ, समझा दूँ, थोड़ा सा लेवल अप है, अरे समझाऊँ,
दिमाग खुल जाएगा आपका, ठीक है। चलो ध्यान से समझना उस ग्राफ को, मैंने पहले से बना के रखा है ताकि टाइम कम लगे। एंड दिस इज द ग्राफ, ठीक है। ये एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन है और इधर है टाइम, ठीक है जी। अब समझना ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि पहली बार कोई एंटीजन आया है, मान लो एंटीजन ए, ठीक है, एंटीजन ए आया है आपके बॉडी में कॉन्टेक्ट हुआ समय के साथ, ये फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट कॉन्टेक्ट, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एंटीजन ए। अब आप देखो, आप गौर करो कि एंटीजन के अटैक का समय ये है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन यहां से शुरू हुआ। इसका मतलब आप बोलोगे, सर देयर इज अ गैप बिटवीन द अटैक ऑफ एंटीजन, फर्स्ट अटैक ऑफ एंटीजन एंड द स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। देख रहे हो आप, ये समय लगता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो, टाइम, टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट अटैक एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, उसमें टाइम लगा। और पता है टाइम क्यों लगा, ड्यू टू रिकॉग्निशन, ड्यू टू रिकॉग्निशन ऑफ पैथोजन या एंटीजन। अरे भैया एंटीजन हमारे बॉडी में पहली बार आया, उसको पहचाने का हमारा सेल तब ना यार, कैसे पहचानता है सब आगे बताऊंगा, पहचाने का तब ना एंटीबॉडी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, स्पेसिफिक, कोविड के लिए कोविड का एंटीबॉडी, टाइफाइड के लिए टाइफाइड का एंटीबॉडी, डेंगू के लिए डेंगू का एंटीबॉडी, स्वाइन फ्लू के लिए स्वाइन फ्लू का एंटीबॉडी। ऐसा नहीं कि कोविड का एंटीबॉडी सभी में काम आएगा। तो आप कहेंगे इट इज ड्यू टू व्हाट, बोलो, ड्यू टू स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी ऑफ व्हाट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चूंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्पेसिफिसिटी है, इसीलिए उसने रिकॉग्निशन में टाइम लिया है। इननेट इम्यूनिटी को रिकॉग्नाइज करने का जरूरत ही नहीं है भैया, जो आएगा सबको रोक देंगे, सीधा सा बात है। यहां रिकॉग्निशन, और रिकॉग्निशन में टाइम लगा, तो पैथोजन यहां अटैक हुआ, पहचान लिए, तब एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अब मुझे बताओ पहले कौन सा एंटीबॉडी बन रहा, आपको देख के क्या लग रहा है, रेड कलर वाला कौन है, आईजीएम का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, बढ़ता गया, पैथोजन मरता गया, पैथोजन घटता गया, फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो गया। अब मुझे बताओ एंटीबॉडी प्रोडक्शन जब स्टार्ट हो गया, अच्छे खासे अमाउंट में आईजीएम बन गया था, तब जाके बनना शुरू हुआ आईजीजी एंटीबॉडी, दिख रहा है, अरे दिख रहा है, और धीरे धीरे फिर आईजीजी का भी कंसंट्रेशन कम हो गया। अब मुझे ग्राफ देख के बताओ, ड्यूरिंग द फर्स्ट अटैक आईजीएम और आईजीजी में कौन ज्यादा बना, कौन कम बना, दोनों बराबर बना है, देख लो कॉन्सेंट्रेशन, दिख गया, अरे दोनों आईजीजी कम लग रहे हैं, ठीक है तो मैं कर देता हूँ इसको सही, अगर तुम्हें ये कम लग रहा है तो मैं ग्राफ को सही कर देता हूँ, अभी थ्योरी में भी तो बताया था, मैं कर देता हूँ सही, ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बन गया, चलो मैं कर देता हूँ सही, आईजीएम और आईजीजी बराबर बना है, ठीक है। रुक जाओ, अब ठीक है, अब तो देख के लग रहा होगा बराबर बना है, तो बराबर बना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ मैं यहाँ पे फर्स्ट अटैक में क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो, फर्स्ट अटैक में इधर लिख दूं साइड में, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, आईजीएम एंड आईजीजी इक्वली फॉर्म्ड, यस और नो, बट पहले कौन बना और बाद में कौन, बताइए देख के बताओ जल्दी से, आईजीएम पहले बना, फर्स्ट फॉर्म्ड एंड इट इज सेकंड फॉर्म्ड,
ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी कब आते हैं, पहले महात्मा तब गांधी, ठीक है। हाँ अब देखो, वह अब हो गया आपका इम्यून सिस्टम लर्न लिया, ये पूरा ओवरऑल क्या था, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसको क्या बोलेंगे ओवरऑल, यहां से लेके यहां तक, ये क्या था बोलो जल्दी से, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, PIR आप लिख रहे हैं अपने हिसाब से, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब मुझे बताओ इस प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान ही बना IgM IgG इक्वली बना, ठीक है, यहां पे ये लाइन लिखना चाहिए था, मैं फिर से लिख देता हूं, IgM IgG इक्वली फॉर्म, यहां पे मत लिखो, पता है क्यों, एंटीजन के अटैक पर थोड़ी बनता है, रिस्पॉन्स के फॉर्म में बनता है ना, ठीक है। और मुझे बताओ पहले कौन बना, IgM, बाद में कौन बना, IgG, तो इसमें क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म्ड, और इसमें क्या लिखोगे, सेकेंड फॉर्म्ड, ठीक है जी, चलो बन गया, इक्वली बना, इक्वल कंसंट्रेशन है, ठीक है, इक्वली, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो अमाउंट, अरे अंडरस्टूड है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब मुझे बताओ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एक और चीज बना है तगड़ा, कोई बताओगे, मेमोरी सेल, मेमोरी सेल्स ऑल्सो फॉर्म्ड, यस और नो, ऑल्सो फॉर्म्ड, कौन से एंटीजन के लिए, कौन सा एंटीजन का अटैक हुआ बोलो, अरे कौन सा एंटीजन अटैक किया यहां पे, एंटीजन ए, नीचे देख लो ना यहां पे, अरे बोलो, yes, अब क्या होगा, हो गया इम्यून सिस्टम एक्टिवेट, हो गया काम, हो गया पैथोजन से लड़ लिया, पहला समय, सपोज करो कल को वही दोबारा से वही एंटीजन का अटैक हो गया, सेम एंटीजन ए का अटैक हो गया, तो एक बार बताओ अगर सेम एंटीजन ए का अटैक हो गया तो क्या अब यहाँ पे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, और आप गौर करो सेकेंडरी, अरे दोनों साथ बना है, दोनों साथ बना है, देखो दोनों का कॉमन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, कॉमन है कि नहीं है, और मुझे बताओ IgM कॉमन, हाँ वो तो ठीक है कॉन्सेंट्रेशन देख लेंगे, IgM कम बना है ज्यादा बना है IgG, लेकिन बना कौन है पहले, पहले बाद कोई नहीं, दोनों साथ बना है। अच्छा बताओ एंटीजन के कॉन्टेक्ट के कितने समय बाद बना है, एट द सेम टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एंटीजन, दिस इज अ सेकेंड कॉन्टेक्ट और सेकेंड अटैक, जैसे अटैक हुआ प्रोडक्शन स्टार्ट, मतलब पैथोजन का अटेम्प्ट हुआ अटैक करने का कि प्रोडक्शन स्टार्ट, क्योंकि मेमोरी सेल बना हुआ है। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा बना है कौन कम बना है, ग्राफ देख के बताओ, IgG ज्यादा बना है और IgM कम बना है, सो दिस इज सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब मुझे बताओ सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में क्या बोलोगे आप, एक बात तो क्या बोलोगे, IgM एंड IgG परफॉर्म एट सेम टाइम, हाँ फॉर्म्स एट सेम टाइम बट मोर फॉर्म्ड और लेस फॉर्म्ड, लेस अमाउंट, और इसका IgM मोर अमाउंट, ठीक है। नाउ अब मुझे बताओ कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान क्या हुआ होगा, मेमोरी सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा क्या, नो, एक्चुअली मेमोरी सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू इफेक्टर प्लाज्मा बी सेल, बताऊंगा ये क्या होता है, प्लाज्मा बी सेल विच फॉर्म्स एंटीबॉडी, यही बनाते हैं एंटीबॉडी, विच फॉर्म्स एंटीबॉडी, यहां मेमोरी सेल नहीं बना है, यहां एक्चुअल में जो मेमोरी सेल फर्स्ट अटैक में बना था वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हुआ है। सो दिस ग्राफ एक्सप्लेन्स मेनी थिंग्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट फास्ट।
फास्ट ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं इस ग्राफ में कुछ चेंजेस करूं? यस सर। सपोज करो ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये सब मिटा रहा हूं। सपोज करो कि मैं इस ग्राफ कंटिन्यू कर रहा हूं, गौर से देखना, मैं इस ग्राफ को कंटिन्यू कर रहा हूं और गौर से देखना कि मैं कंटिन्यू कैसे कर रहा हूं। चलो अगर आप थोड़ा बहुत भी कलर कोड को समझते हो तो मुझे देख के बताओ कि ये पूरा का पूरा क्या है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। थोड़ा बहुत भी अगर आप कलर कोड को समझते हो और ग्राफ को समझते हो, हाँ क्या है, दोनों से अलग है, प्राइमरी सेकेंडरी? ये नहीं है, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ही, क्योंकि जो भी दो एंटी, लो मैं लिख देता हूँ, ये है आई जी एम और ये है आई जी जी। अब मुझे देख के बताओ कि ये ग्राफ से देख के क्या लग रहा है कि इट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और नॉट, क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल है। बट फिर इस ग्राफ में क्या अलग है, मैंने बोला कलर कोड को देख के बताओ, एक बार बताओ, लाल और गुलाबी लगभग लगभग एक जैसा है, लेकिन एक नहीं है, एक जैसा है, फीका हरा और डीप हरा एक जैसा है लेकिन एक नहीं है। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो पता है, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो पता है, दिस इज द फर्स्ट अटैक ऑफ कोई बोलोगे कुछ एंटीजन ए या फिर अदर एंटीजन बी, आया समझ में? एंड दिस इज द इनक्यूबेशन, दिस इज द टाइम लैग, दिस इज द टाइम लैग बिटवीन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट। एक्चुअली यहां से नहीं स्टार्ट हुआ है, देखो ग्राफ एक्चुअल में यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लो इसको थोड़ा और स्ट्रेट कर देता हूं, यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, दिस इज अ टाइम लैग और उसके बाद वो प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब मुझे बताओ अगर इस ग्राफ को आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूं तो आप कर लोगे कंटिन्यू, कैसे होगा? yes. बताओ आईजीजी कौन बनेगा और आईजीएम कौन बनेगा और आईजी ज्यादा बनेगा? देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, ऐसे ठीक है, एक्चुअल में पता है ग्राफ में गलत हो जाएगा क्योंकि इसको कम बनाना लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर बनाना, यहाँ पे भी ना आईजीएम को थोड़ा सा ऊपर कर देना, लो मैं कर ही देता हूँ, मतलब आईजीएम को थोड़ा सा ऊपर कर देना क्योंकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जितना बना था आईजीएम उससे तो ज्यादा ही बनेगा ना, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर कर देना और आईजीजी को और ऊपर कर देना। बताओ अब ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है कि नहीं है? yes, लेकिन ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किसके लिए, एंटीजन ए या बी के लिए? बी के लिए। बी के लिए। अब समझ गए होगे यार, लो लिख लो, फॉर एंटीजन बी, फॉर एंटीजन बी, ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसका स्क्रीनशॉट ना ले लो, ठीक है, ये सब चीज आपको थोड़ा सा डीप में बता रहे हैं, ठीक है, सब नीट में थोड़ा सा नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इस ग्राफ में मैं एक चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है, मैं इस ग्राफ में एक चेंजेस कर रहा हूं, क्या चेंजेस कर रहा हूं, गौर से देखो और गौर से मुझे देख के बताना कि क्या है ये, बताओ क्या है ये? एंटीजन बी का प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको किसी का प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आया तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आया ही सही, जरूरी थोड़ी है यार, हमने वैक्सीनेशन सबका कर दिया, आज कोविड का किया, कल डेंगू का किया, कुछ समय बाद तो ग्राफ में हमने दोनों को एक साथ दिखाया, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया ही नहीं है, तो मुझे बताओ ग्राफ को पहचानने का क्या तरीका होगा, अगर आप इक्वल कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं यस और नो और टाइम लैग देख रहे हैं कॉन्टेक्ट ऑफ एंटीजन एंड द
स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आईजीएम, और आईजीएम पहले बन रहा है और आईजीजी बाद में बन रहा है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ जी है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे दिस इज द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, यस और नो। तो यहाँ पे मान लो क्या हुआ है, अटैक हुआ है, दिस इज द फर्स्ट अटैक, फर्स्ट अटैक ऑफ एंटीजन एंटीजन बी। तो आप चाहो तो अपने कॉपी में तीन ग्राफ बना सकते हो इस तरीके से, ये सब चीज आपको कॉलेज में भी काम आने वाला है, ठीक है? ऐसे बहुत टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है, आपको पहचानना होगा। अब मुझे एक बार बताओ क्या, अच्छा समय एक ही मिनट बचा, एग्जाम्पल बताना था यार, चलो कोई नहीं, आओ अगले मीटिंग में मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे फोटो सेव कर लेने दो यार, लिखा हुआ मैंने बेकार हो जाएगा। चलो आ जाओ, इस ग्राफ को एक बार अच्छे से देख लो, इस ग्राफ को, देन मैं अगले मीटिंग में क्या करता हूँ, ग्राफ बताता हूँ, और तब उसके आगे हम अभी चैप्टर को प्रोसीड करें।